स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइज आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स वुमेन वर्सेस गुजरात गैंट्स के बीच जो मैच होना है, मैच नंबर 14 होगा। देखेंगे क्या क्या पिच का बिहेवियर है, क्या प्लेइंग 11 होने वाला है इन दोनों टीमों में, पिच का बिहेवियर पेसर्स को ज्यादा एडवांटेज हो रहा है या फिर ऑलराउंडर सेक्शन या फिर स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज मिल रही है इस पिच से। बात करें दोस्तों इन दोनों प्लेइंग 11 में, तो प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में हुआ था इन दोनों का कंफर्म प्लेइंग 11 इस टीम गुजरात गैंट्स का यही होने वाला है। बात करें अगर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का प्लेइंग 11 में, तो प्लेइंग 11 में आपको एक दो चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि वुमेन्स मैच जितने भी हो रहे हैं हर टीम में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों बात करें हम लोग दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का प्लेइंग 11 में, तो यहाँ से मेग लैनिंग जो है काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। अगर बोला जाए हाईएस्ट स्कोरर इस टूर्नामेंट के वुमेन्स आईपीएल के, तो मेग लैनिंग आपको हाईएस्ट स्कोरर के तौर पे दिख रही है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है, ये जो हमारा वेन्यू है क्या बिहेव कर रही है काफी इम्पोर्टेंट बात है। फिर हम लोग बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो इम्पोर्टेंट कंटेंडर है इस मैच के लिए, देखेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन का इम्पोर्टेंट कंटेंडर कौन होने वाला है आज के इस मेगा ग्रैंड लीग के टीम में। दोस्तों जो टीम मैं दे रहा हूँ हर रोज, आप देख रहे होंगे टेलीग्राम पे जो टीम हमारी जाती है हर रोज, हमारी टीम जो है अच्छी खासी विन कर रही है। टीम वन का कॉम्बिनेशन देखेंगे हम लोग, टीम टू का फिर कॉम्बिनेशन देखेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो इम्पोर्टेंट कंटेंडर इस मैच में होने वाला है उसको फिर हम लोग। तो बात करें अगर वेन्यू का, तो ब्रैबॉर्न स्टेडियम मुंबई में ये वेन्यू है। देखेंगे पिच रिपोर्ट्स क्या है, टोटल मैचेस प्ले यानी टोटल मैचेस जो इस वेन्यू पे खेला गया इस पिच पे 10 मैच है। बैटिंग फर्स्ट जिस टीमों ने पहले बैटिंग की है उन्होंने 5 मैच को विन किया है, जिस टीमों ने सेकेंड बैटिंग की है उन्होंने भी 5 मैच को ही विन किया है। तो यहाँ से 50-50 का एडवांटेज है, मतलब बोला जाए तो दोनों को 50-50 ही एडवांटेज है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो 165 का है, हाईएस्ट स्कोर की बात करें इस मैदान पे इस पिच पे तो 209 रन 4 विकेट पे आपको दिखेगा। लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 96 रन है 10 विकेट पे, स्कोर बिटवीन 150 और 169 के बीच एक बार आपको बनता हुआ दिखा है। फिर यहाँ से स्कोर बिटवीन 170 और 189 के बीच जो स्कोर बना है वो 3 बार यहाँ पर बना है। दोस्तों अगर फाइनली बात करें इस मैदान का, तो ये मैदान जो है ज्यादा एडवांटेज आपको बैट्समैन सेक्शन को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा बन रहे इस मैच में इस फील्ड पे इस मैदान पे। तो यहाँ से आपको इस मैच के लिए 170-180 स्कोर आपको दिख सकता है इस मैच में। बात करें अगर रिसेंट मैचों की दोस्तों, तो यहाँ से गुजरात वुमेन्स की जो टीम है फर्स्ट मैच खेली थी 64 रन ही बना पाई थी उस मैच में, 10 विकेट अपने लॉस किए थे, तो वो मैच जो है गुजरात वुमेन्स जो है उस मैच को हार गई थी। फिर यहां से अगर बात करें गुजरात वुमेन्स जो सेकेंड मैच खेली थी 169 रनों की पारी 169 रनों का स्कोर बनाया था 6 विकेट पे, ये मैच भी गुजरात लॉस की थी यानी हार गई थी। बात करें अगर थर्ड मैच की, तो थर्ड मैच में भी गुजरात ने 201 रनों का पारी यानी काफी विशाल स्कोर बनाया था 7 विकेट पे, वो मैच गुजरात वुमेन्स की टीम ने जीता था। दोस्तों अगर इन दोनों का फॉर्म का बात करें, इन दोनों का हेड टू हेड का रिकॉर्ड का बात करें, तो काफी स्ट्रांग है। यहां से दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्यों स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली कैपिटल अभी तक 5 मैच खेल चुकी है जिसमें कि सिर्फ एक मैच वो हारी है, यानी 4 मैच को विन करके वो आ रही है। तो काफी स्ट्रांग है ऑन द पेपर अगर बात करें दोनों टीमों की, तो काफी स्ट्रांग होगी आज दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो हम लोग देखेंगे टीम वन का कॉम्बिनेशन में 6 और 5 का जो कॉम्बिनेशन हम लोग लेके चलेंगे, टीम टू का कॉम्बिनेशन 7 और 4 भी वो कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों यहां से बात करें हम प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल्स वुमेन की, तो यहां से मेग लैनिंग जो है काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। तो यहां से पहले मैचों में मेग लैनिंग ने 72 का स्कोर किया था, सेकेंड मैच में 70 रन, फिर थर्ड मैच में 43 रनों के पारी खेली थी। तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनते हैं दिल्ली कैपिटल वुमेन से, और हाइएस्ट स्कोरर भी इस टीम इस वुमेन्स आईपीएल में आपको दिखने वाली है मेग लैनिंग, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें शेफाली वर्मा का, तो बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेगी 84 रनों की पारी पहले ही मैच में, दूसरे मैच में 17 रन, तीसरे मैच में 2 रन, फिर नेक्स्ट मैच में इन्होंने कुछ स्कोर बनाया था। एलिसा कैप्सी की बात करें हम, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी आपको पहले मैच में 2 विकेट, फिर 21 रन 0 विकेट यानी विकेट लेस रही थी, फिर तीसरे मैच में 6 रन और 1 विकेट इन्हें मिला था। एम कैप की बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेगी 39 रन विकेट लेस रही थी, 16 रन फिर आपको 1 विकेट ली थी, 2 रन विकेट लेस रही थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट कंटेंडर यानी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको दिखेंगे
जो कि काफी ऊपर है यानी ऑलराउंडर सेक्शन में है, लेकिन टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है, तो वैसे प्लेयर्स को हम लोग लेके चलेंगे। फिर बात करें रोड्रिग्ज की, तो बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी 22 रन, 34 रन, 25 रन ऑन एन एवरेज स्कोर, हर मैच में ये 20-25 का स्कोर करके जा रही है, तो किसी किसी टीम में, ग्रैंड लीग के टीम में आप इसे भी लेके जा सकते हो। तो देखेंगे टीम वन के कॉम्बिनेशन में हम लोग किन किन प्लेयर्स का सिलेक्शन करेंगे। बात करें जेम्स जोनासन का, तो ऑलराउंडर सेक्शन में देखेगी, पहले आपको ये बॉलर सेक्शन में दिख रही थी जब फर्स्ट स्टार्ट मैच जब स्टार्ट हुआ था वुमेन्स आईपीएल का, तो जेम्स जोनासन को बॉलर सेक्शन में दिया गया था, लेकिन इनकी बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे अभी फैंटेसी के एप्लीकेशन में इसे दिया गया है ऑलराउंडर सेक्शन में, तो इंपॉर्टेंट होगी। पहले मैच में 0 विकेट विकेटलेस रही थी, दूसरे मैच में 42 रन 3 विकेट, जो इंपॉर्टेंट होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर में। उसके बाद बात करें तीसरे मैच में, तो 2 रन ही बना पाई थी और विकेट लेस रही थी, यानी किसी मैच में विकेट ले रही है, रन भी बना रही है, किसी मैच में दोनों में डक है, यानी दोनों नहीं अच्छी कर रही है। तो यहाँ से तानिया भाटिया का बात करें हम लोग, तो विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगी, पहले मैच में ही 9 रन, इनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं, तो ज्यादा रिकॉर्ड इनका है नहीं। बात करें मीनू मनी जो ऑफ ब्रेक बॉलर है, इसका भी कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। राधा यादव की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पहले मैच में विकेट लेस रही थी, दूसरे में भी विकेट नहीं मिला था, तीसरे मैच में 10 रन बनाई थी फिर भी विकेट लेस ही रही थी, तो उतने इंपॉर्टेंट कंटेंडर नहीं होंगे इस टीम के लिए। उसके बाद बात करें शिखा पांडे, तो राइट आर्म मीडियम पेस है, फर्स्ट मैच में 1 विकेट, सेकेंड मैच में 1 विकेट, फिर थर्ड मैच में विकेट लेस रही थी। यहां से दोस्तों टी नॉरिस का दोस्तों अगर पहला मैच देखा जाए तो 5 विकेट लेके गई थी पहले ही मैच में, इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम था, और उस मैच में जो दोस्तों इन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर चुना होगा, दिया होगा, तो उनकी टीम अच्छी खासी रैंक की होगी। यहां से दूसरे मैच में 0 विकेट यानी विकेट लेस, फिर जो है तीसरे मैच में इनको 1 विकेट मिला था, तो यहां से ये प्लेइंग 11 दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात जायंट्स का प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करें हम जो ओपनिंग सेक्शन दिखेगी आपको, सोफिया डंकली बैट्समैन सेक्शन में है जो कि ओपनिंग कर रही है टीम के लिए, 13 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में 65 रनों की पारी जो महत्वपूर्ण पारी थी इनके तरफ से। उसके बाद एस मेगाना जो बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, 2 रन पहले मैच में, 24 रन, उसके बाद 8 रन, 16 रन, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे क्योंकि कभी 2 रन, कभी 24, कभी 8, यानी सिंगल डिजिट में भी ये आउट हो जा रही बार बार, 5 इनिंग में कुछ खासा कर नहीं पाई है। यहां से बात करें एच डियोल की, तो बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, पहले मैच में डक में गई थी, दूसरे मैच में 46 रन, तीसरे मैच में 67 रनों की पारी और चौथे मैच में 22 रनों की पारी खेली थी, तो किसी किसी टीम में आप इसे कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर दे सकते हो, क्योंकि 3 मैच अगर रिसेंट मैच इनका 3 देखा जाए, पिछला 3 मैच, तो ठीक ठाक स्कोर करके आ रही है। यहां से ए सदरलैंड का बात करें हम लोग, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, पहले मैच में 6 रन, दूसरे मैच में 8 रन 1 विकेट, तीसरे मैच में 14 रन 2 विकेट और चौथे मैच में 0 रन और विकेट लेस रही थी। तो यहां से ए सदरलैंड का अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट होगी, क्यों होगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टॉप ऑर्डर में इसे बैटिंग भी दिया जा रहा है और कंप्लीट 4 ओवर इनसे कराया भी जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट बनती है इस टीम के लिए। उसके बाद एलिसा गार्डनर की बात करें हम लोग, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, 0 रन पहले मैच में, 25 रन 0 विकेट यानी विकेट लेस रही थी, 19 रन 3 विकेट जो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि 19 रन करके अगर 3 विकेट है यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे उस टीम में। बात करें 8 रन चौथे मैच में, 8 रन 3 विकेट, तो दोस्तों 8 रन 3 विकेट तो फिर भी काफी अच्छी ड्रीम टीम के मेंबर होंगे उस टीम में, तो यहां से एलिसा गार्डनर भी काफी इंपॉर्टेंट बनती है गुजरात की टीम से। बात करें डी हिमालता का, तो बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी आपको, 29 रन पहले मैच में, 21 रन दूसरे में, 16 रन तीसरे मैच में और 6 रन ही बना पाई थी अपने चौथे मैच में, तो दोस्तों डी हिमालता एक ग्रैंड लीग पिक होगी। क्यों होगी, अगर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अगर कोलैप्स करती है ना, तो यहां से डी हिमालता आपको अच्छा खासा स्कोर करके दे सकती है, तो ये बात पॉइंट रखिए आप दिमाग में, क्योंकि डी हिमालता भी दोस्तों 29 रन 21 रन यानी डबल डिजिट में स्कोर करके जा रही है। यहां से बात करें एस राणा का, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी आपको 1 रन पहले मैच में, दूसरे मैच में कुछ कर नहीं पाई थी, 0 विकेट विकेट लेस रही थी, तीसरे मैच में भी 2 ही रन बनाई थी विकेट लेस रही थी और चौथे मैच में 20 रन बनाकर 1 विकेट ली थी, तो किसी किसी टीम में आप इसे भी रख सकते हो। अगर 10 टीम का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो एस राणा को आप किसी किसी टीम में आप रख सकते हो। बात करें दोस्तों एस वर्मा का, तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखेगी, पहले मैच में 9 रन, दूसरे में 5 रन, 18 रन, यानी ये फ्लॉप ही चल रही है पूरा, तो यहां से एस वर्मा को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे।
बात करें दोस्तों किम गर्त जो ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी। पहले मैच में ही दोस्तों इन्होंने 5 विकेट ली थी, दूसरे मैच में 3 रन विकेट लेस रही थी और तीसरे मैच में 8 रन बनाकर 1 विकेट ली थी। तो यहां से आपका अगर 10 टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो मेगा ग्रैंड लीग के लिए तो किम गर्त भी किसी किसी टीम में इंपॉर्टेंट सीबीसी का कंटेंडर हो सकती है। यहां से बात करें टीक कनुजा की तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, पहले मैच में 0 विकेट लेस, दूसरे में भी विकेट लेस और तीसरे मैच में इन्हें 1 विकेट मिला था। एम जोशी की बात करें तो ये आपको बॉलर सेक्शन में दिखेगी, राइट आर्म मीडियम पेस है, दोनों मैचों में 1-1 विकेट मिला, लास्ट मैच में ये विकेट लेस रही थी। तो दोस्तों दोनों का जो प्लेइंग 11 है, अगर बात करें दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का प्लेइंग 11 जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है। बात करें गुजरात की, गुजरात वुमेन्स की टीम जो है सारे मैचेस को लगभग हार चुकी है, यानी अगर बोला जाए 5 मैचों में 1 मैच ही विन कर पाई है, बाकी 4 मैच को ये हार गई है। तो यहां से अगर देखा जाए ऑन द पेपर तो दिल्ली कैपिटल्स की वुमेन काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग जो आज कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो देखेंगे कि कौन कौन विकेट कीपर सेक्शन में प्लेयर्स को लेके चलेंगे, फिर हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन किसे लेना है, बैट्समैन सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर हमें चूज करनी है, फिर बॉलर सेक्शन में स्पिनर सेक्शन को लेना है या पेसर्स को लेना है। अगर बात करें हम यहां से इन दोनों टीमों में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन टीम की, तो यहां से कुछ ऐसे भी प्लेयर्स आपको दिख रहे होंगे जो ऑलराउंडर सेक्शन में और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रही है। बात करें एलिसा कैप की जो आपको फर्स्ट पोजीशन पे ही बैटिंग दिखेगी और यहां से एम कैप जो सेकंड नंबर पोजीशन पे बैटिंग दिखेगी, ऑलराउंडर सेक्शन में है और इंपॉर्टेंट बनती है सीबीसी का कंटेंडर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात है कि सीबीसी जो बनाना है कैसे बनाना होता है सीबीसी का इंपॉर्टेंट कंटेंडर मेगा ग्रैंड लीग के लिए, तो आज देखेंगे कि हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे देने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें हम लोग टीम 1 के कॉम्बिनेशन का, तो यहां से ये टीम 1 का जो कॉम्बिनेशन है, ये टीम 1 के कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या किए हैं कि विकेट कीपर सेक्शन जो हम लोग 1 लेके चले हैं एक कंटेंडर को। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर बैट्समैन सेक्शन, तो बैट्समैन सेक्शन भी हम लोग 1 को लेके चले हैं। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, तो हम लोग 4 को लेके चले हैं। यहां से बॉलर सेक्शन में हम लोग 1 प्लेयर्स को लेके चले हैं। तो यहां से विकेट कीपर सेक्शन की अगर सबसे पहले बात करें दोनों टीमों में, तो यहां से तानिया भाटिया विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगी। यहां से बात करें जो विकेट कीपर सेक्शन आपका एस वर्मा है, जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है दोनों इस टीम के लिए, लेकिन 1 विकेट कीपर सेक्शन तो आपको लेके ही जाना है। तो यहां से इंपॉर्टेंट बनेगी गुजरात वुमेन्स की टीम से एस राणा। क्यों बनेगी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां दिल्ली कैपिटल वुमेन्स का जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है काफी अच्छी फॉर्म में है, तो इससे क्या होगा कि तानिया भाटिया को आपको चांसेस नहीं मिल सकता है खेलने का, लेकिन यहां से एस राणा का चांसेस मिल सकता है, एस वर्मा को चांसेस मिल सकता है कि इस टीम के लिए वो कुछ रन बना पाए। तो एस वर्मा को हम लोग लेके चलेंगे इस टीम में, एस वर्मा विकेट कीपर सेक्शन में हम लोग एस वर्मा को लेके चले। बात करें दोस्तों अगर यहां से बैट्समैन सेक्शन, अगर इस टीम से बात करें दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम से बैट्समैन सेक्शन में, तो आपका मेग लैनिंग बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, एस वर्मा भी आपको, सफाली वर्मा भी आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी और यहां से आपको रॉड्रिग्यूज जो है बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी। तो आप लोग यहां से क्या करोगे, मेग लैनिंग और सफाली वर्मा दोनों को इस टीम में लेके चलोगे, मेग लैनिंग और सफाली वर्मा दोनों को इस टीम में हम लोग दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के टीम से लेके चले हैं, दोनों ओपनिंग प्लेयर्स है और काफी अच्छे फॉर्म में भी है। अगर बात करें दोस्तों यहां से इस टीम से बैट्समैन सेक्शन में, तो सोफिया डंकली काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि कभी कभी ये कम बॉलों में काफी अच्छी स्कोर करके चली जाती है। ये जो 65 रनों की पारी है, मात्र 28 गेंदों में इन्होंने 65 रन की पारी खेली थी, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी ये ज्यादा स्कोर कर जाती है बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट से। तो यहां से सोफिया डंकली जो दोस्तों 65 रन बनाए थे लास्ट मैच में, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनती है। बात करें एस मेगाना का, तो एस मेगाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है इस टीम के लिए। बात करें एच डियोल की, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगी इस टीम से। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहां से डिफरेंसली पिक करोगे, आप किसी टीम में आप सोफिया डंकली को लेके चलोगे और किसी टीम में आप एच डियोल को लेके चलोगे, ये डिफरेंसली पिक है। सोफिया डंकली और एच डियोल में आप डिफरेंसली पिक चूज करोगे। अब दोस्तों ये था बैट्समैन सेक्शन, अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। अगर यहां से बात करें इस टीम से ऑलराउंडर सेक्शन में, तो कुछ ऐसे भी ऑलराउंडर है दिल्ली कैपिटल वुमेन्स में
जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रही है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे बैटिंग और बॉलिंग भी कंप्लीट 4 ओवर्स डाल रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से एलिसा केप्सी और एम केप जो है और जेस जोनासन काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहां से अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो एलिसा गार्डनर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सदरलैंड भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से किम गर्द भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि तीन प्लेयर्स जो ऑलराउंडर सेक्शन है दिल्ली कैपिटल वुमेन से लेके चलेंगे, और यहाँ से हम लोग एक प्लेयर्स को लेके चलेंगे गुजरात वुमेन्स की टीम से। सबसे पहले हम दोस्तों यहां से दिल्ली कैपिटल वुमेन से एक कैप्सी को लेके चलेंगे, एलिसा कैप्सी। आप एलिसा कैप्सी में डिफरेंशियल पिक बना सकते हो, एलिसा कैप्सी में डिफरेंशियल पिक क्या कर सकते हो दोस्तों, जेस जोनासन और एलिसा कैप्सी में आप डिफरेंशियल पिक बना सकते हो, जेस जोनासन और एलिसा कैप्सी में आप डिफरेंशियल पिक बना सकते हो। किसी टीम में अगर एलिसा कैप्सी को लेके चले हो तो यहां से जेस जोनासन को भी उस टीम में ड्रॉप करके चल सकते हो। तो ये था डिफरेंशियल पिक। अब यहां से जो एज ए फिक्स प्लेयर हम लोग लेके चलेंगे, यहां से ऑलराउंडर सेक्शन में एम कैप को आप एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलोगे, एम कैप। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि एलिसा कैप्सी और जेस जोनासन और एम कैप को हम लोग क्या किए एज ए फिक्स प्लेयर रखे हैं, एलिसा कैप्सी और जेस जोनासन में डिफरेंशियल पिक बताए हैं। उसके बाद यहां से बात करें गुजरात वुमेन्स टीम की, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट होंगे इस टीम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एलिसा गार्डनर, जो एज ए फिक्स प्लेयर हर टीम में, अगर आप 10 टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एलिसा गार्डनर को आप 5 या 6 टीम में आप एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, इस मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों यहां से ए सदरलैंड की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट 4 ओवर्स डाल रही है और सेकेंड नंबर पोजीशन पे बैटिंग भी कर रही है, तो इंपॉर्टेंट बनती है। लेकिन यहां से हम लोग इसे ड्रॉप करेंगे, आप यहां से क्या कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, यहां से दिल्ली कैपिटल वुमेन से रॉड्रिग्यूस के साथ जा सकते हो, इस मैच में आप डिफरेंसली चूज करोगे। आप डिफरेंसली चूज क्या करोगे, ए सदरलैंड, ए सदरलैंड और यहां से एस राणा में आप डिफरेंसली पिक चूज करोगे, तो एस राणा को भी किसी किसी टीम में आप लेके चलोगे। तो ये था डिफरेंसली पिक। अब दोस्तों ये था ऑलराउंडर सेक्शन जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे यहां से बॉलर सेक्शन क्या होने वाला है। अगर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम की बात करूं बॉलर सेक्शन में, जो इंपॉर्टेंट होगी वो यहां से तारा नॉरिस और सीका पांडे, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अगर बात करें तारा नॉरिस की, तो एक मैच में 5 विकेट लेके गई है, फिर विकेट लेस ही रही है, लेकिन लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने ली थी। यहां से शिखा पांडे की बात करें तो राइट आर्म मीडियम पेस है, हर एक मैच में लगभग विकेट इन्हें 1-8 विकेट मिल ही रहा है, तो इंपॉर्टेंट होती है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसली चूज करेंगे शिखा पांडे और तारा नॉरिस में, शिखा पांडे और तारा नॉरिस में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंसली चूज करेंगे। अगर जिस टीम में आप शिखा पांडे को ले रहे हो तो तारा नॉरिस को ड्रॉप कर देना है, तारा नॉरिस के ले रहे हो तो शिखा पांडे को ड्रॉप करना, दोनों को एक साथ टीम में लेके जाना नहीं है। अब बात करें यहां से दो स्पॉट जो हमारा खाली है, मैं गुजरात वुमेन्स टीम से देख रहा हूँ कि किम गर्थ भी ऑलराउंडर सेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंसली पिक कर सकते हो किम गर्थ। यहां से बॉलर सेक्शन में आपको दिखने वाला है यहां से इस टीम से, वो है आपका एम जोशी, जो कि हर एक मैच में 1-1 विकेट इन्हें मिल रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहां से बात करें बॉलर सेक्शन, तो यहां से टी उतने इंपॉर्टेंट और बॉलर्स नहीं है, तो यहां से एम जोशी को आप किसी किसी टीम में लेके जा सकते हो। दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम की बात करें बॉलर सेक्शन में, तो राधा यादव कुछ खासा किए नहीं है अभी तक, 0 विकेट यानी विकेट लेस पहले मैच में, दूसरे मैच में भी विकेट लेस, तीसरे मैच में भी विकेट लेस ही रही थी, तो इतने इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे। यहां से आप क्या कर सकते हो, मीनू मनी को आप लेके जा सकते हो। यहां से आप डिफरेंशियली पिक, यहां से मीनू मनी और यहां से आप क्या कर सकते हो, शिखा पांडे को यानी तारा नॉरिस को आप एज ए फिक्स प्लेयर आप रख सकते हो, तारा नॉरिस। तो ये था दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। बाकी हमारी जो फाइनल टीम होती है वो टॉस के बाद जब लाइनअप होती है तो हमारी फाइनल टीम टेलीग्राम पे जाती है, डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां आप ज्वाइन कर लो, जो हमारी फाइनल टीम हर रोज जाती है।
बात करें दोस्तों यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन का जो इम्पोर्टेंट कंटेंडर है वो इस मैच में कौन होने वाला है। यहाँ से सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो मेग लैनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली इस मैच के लिए। यहां से दोस्तों बात करें शफाली वर्मा, तो वो भी इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि जो अगेंस्ट टीम है दोस्तों गुजरात वुमेन्स की टीम काफी वीक टीम है अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम के सामने। तो यहां से चाहेगी अगर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स की टीम अगर पहले बैटिंग करे तो चाहेगी कि बड़ा स्कोर करना, और यहां से ये दोनों इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकती है इस टीम के लिए। तो शफाली वर्मा भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा पारी ये खेल चुकी है इस टूर्नामेंट में, 84 रन की बड़ी पारी ये खेल चुकी है, तो इम्पोर्टेंट बनती है। तीन नंबर की बात करें हम लोग यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन में दिल्ली कैपिटल वुमेन से, तो एलिसा केप्सी को मैं नहीं रखने वाला हूं, यहां से एम कैप को आप लेके जा सकते हो, एम कैप या फिर एलिसा केप्सी, एलिसा केप्सी, इन दोनों में किसी को भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन दे सकते हो। बात करें यहां से इस टीम से तो जेस जोनासन को भी आप रख सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन में। जेस जोनासन, ये तो दोस्तों मेग लैनिंग जो दिल्ली कैपिटल वुमेन से कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर थे। मेग लैनिंग, शफाली वर्मा, एम कैप या फिर एलिसा कैप्सी, दोनों में से किसी को आप दे सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन। और जेस जोनासन भी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, चार ओवर्स अपने कंप्लीट डाल भी रहे हैं और इन्हें टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्रमोट किया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट बनती है। बात करें अब हम लोग यहां से इस टीम से गुजरात वुमेन्स टीम से, तो नंबर एक में जो इम्पोर्टेंट है एलिसा गार्डनर को आप रख सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन में। यहां से बात करें हम लोग सोफिया डंकली को भी आप टीम में रख सकते हो, इस टीम से अगर बात करें आप किसी किसी टीम में एच डियोल को भी रख सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन में। और यहां से बात करें इस टीम से तो और उतने इंपॉर्टेंट कंटेंडर दिख नहीं रहे क्योंकि यहां से किम गर्त आपका हर मैच में विकेट लेके जा नहीं रही है, पहले ही मैच में 5 विकेट, दूसरे मैच में विकेट ले रही थी, तीसरे मैच में इन्हें 1 विकेट मिला था। तो यहां से दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन में आप दे सकते हो दिल्ली कैपिटल वुमेन से। मेग लैनिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है, शफाली वर्मा भी इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनके अगेंस्ट टीम है यानी गुजरात वुमेन्स की टीम वो थोड़ा वीक टीम है इस टीम के सामने। तो यहां पर क्या चाहेगी अगर दिल्ली कैपिटल वुमेन्स टीम पहले बैटिंग करे तो काफी बड़ा स्कोर करते हुए दिख सकती है यहाँ की टीम। तो एम कैप और एलिसा कैप्सी में आप किसी को भी रख सकते हो, जेस जोनासन भी इंपॉर्टेंट है। बात करें आप गुजरात वुमेन्स टीम से तो एलिसा गार्डनर काफी इंपॉर्टेंट होगी इस टीम से, इसे भी कैप्टन दे सकते हो। सोफिया डंकली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी पारी इस वुमेन्स आईपीएल में खेल चुकी है। एच डियोल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा सा कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 46 रन, 67 रन, 22 रन हो सकता है इस मैच में ये काफी बड़ा स्कोर करके जाए। तो यहां से ये है कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर।